आप देख रहे हैं मंथन क्लासेस यूट्यूब चैनल। मैं राहुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग 17 से 22 अगस्त 2020 के प्रमुख आर्थिक एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर एक नज़र डालेंगे। वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व प्रमुख घटनाओं को देखते हैं कि आज हम किन किन घटनाओं पर चर्चा करेंगे। तो पहली घटना थी वुमन कनेक्ट चैलेंज, उसके पश्चात शहरी सहकारी बैंकों के लिए सिस्टम आधारित एसेट वर्गीकरण, किसान क्रेडिट कार्ड समीक्षा विकल्प, डिजिटल अपनाए अभियान, दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जन रक्षा खाता, यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी और बीएससी ईबीएक्स के द्वारा समझौता किया गया है। इसके पश्चात है एडलवाइज टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस, होंडा मोटर और हिताची के बीच ज्वाइंट वेंचर एक गठन किया गया है। उसके पश्चात है एकीकृत चैंपियन स्कूल, यूरोपीय संघ द्वारा दक्षिण एशिया के लिए सहायता अनुदान और आईएलओ एडीबी की रिपोर्ट पर नज़र डालेंगे। शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो, या विस्तार पूर्वक यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। तो प्रथम है वुमन कनेक्ट चैलेंज, प्रमुख बिंदु क्या है इसके। तो यह जो पहल है यह रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो ये महिलाओं की वैश्विक विकास और समृद्धि के पहल के तहत इसे प्रारंभ किया गया है। इस पहल को प्रारंभ करने में यूएस इंडस्ट्रीज फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट या यूएस एड ने अपना सहयोग रिलायंस फाउंडेशन को दिया है। इस पहल का प्रमुख उद्देश्य है कि भारत में लैंगिक डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए इसे प्रारंभ किया गया है। इस पहल को प्रारंभ करने की जो घोषणा है उसे अमेरिकी उपराज्य सचिव स्टीफन बेगुन और अमेरिकी राष्ट्रपति के सलाहकार इवांका ट्रंप और यूएस एड के डिप्टी प्रशासक बोनी ग्लिक के द्वारा किया गया है। यहाँ हम देख लेते हैं कि यूएस एड के विषय में कि आखिर यह यूएस एड जो है यूएस इंडस्ट्रीज फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यह क्या है। तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी यूएस में, जो अमेरिका की राजधानी भी है। इसके कार्यवाहक प्रशासक जो हैं जॉन वॉर्स हैं और इसके डिप्टी प्रशासक जो हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं यह बोनी ग्लिक हैं। इसके पश्चात देखते हैं शहरी सहकारी बैंकों के लिए सिस्टम आधारित एसेट वर्गीकरण लाया गया है। प्रमुख बिंदु क्या है, तो आरबीआई ने 30 जून 2021 से सिस्टम आधारित परिसंपत्ति वर्गीकरण को लागू करने के लिए शहरी सहकारी बैंकों या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को 31 मार्च 2020 तक 2000 करोड़ रुपए या उससे अधिक की संपत्ति के साथ अनिवार्य किया है। यूएसबी को 6 महीने की अवधि के भीतर ही सिस्टम आधारित परिसंपत्ति का वर्गीकरण को लागू करने की आवश्यकता होगी। इसका लाभ क्या होगा, तो परिसंपत्ति वर्गीकरण प्रक्रिया की दक्षता, पारदर्शिता और अखंडता में सुधार करने के लिए इस एसेट वर्गीकरण को आरबीआई के द्वारा लाया गया है। इसके पश्चात देखते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड समीक्षा विकल्प जारीकर्ता कौन है, तो भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने अपने डिजिटल कृषि समाधान मंच योनो, जिसे हम हमेशा देखते हैं, यू ओनली नीड वन योनो, जिसका फुल फॉर्म है यू ओनली नीड वन कृषि पर केसीसी या किसान क्रेडिट कार्ड समीक्षा विकल्प को लॉन्च किया है। इसका लाभ क्या होगा, तो एप्लीकेशन के साथ किसान जो है वर्चुअल प्लेटफॉर्म में अपनी केसीसी सीमा तक पहुंच सकते हैं, यानी उन वर्चुअल प्लेटफॉर्म के द्वारा किसान अपने जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसकी सीमा तक वह पहुंच सकते हैं। इसका लाभ क्या होगा, तो भारत में 75 लाख से अधिक किसान के पास एसबीआई किसान क्रेडिट कार्ड खाता है। इनका जो पहुंच होगा यह डिजिटल माध्यम के द्वारा अपनी सीमा तक, या किसान अपनी सीमा तक पहुंच सकते हैं, केसीसी की सीमा तक पहुंच सकते हैं। अब केसीसी योजना किसानों को उनकी अल्पकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करती है। केसीसी क्या है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत एक क्रेडिट ऋण दिया जाता है किसानों को, जिसके अनुसार किसान अपनी अल्पकालीन ऋण आवश्यकताओं जैसे खाद, बीज,
या मजदूरों को पेमेंट करना हो तो इनके लिए वह ऋण ले सकते हैं और यहाँ पर इनका यह इस्तेमाल करते हैं। इसके पश्चात है कि क्रेडिट कार्ड समीक्षा विकल्प जो SBI के द्वारा हाल ही में प्रारंभ किया गया है, यह योनो कृषि में SBI जो है 4 सेवाएं प्रदान कर रहा है। पहला है योनो खाता, तो कृषि ऋण समाधान। सबसे पहले योनो ऋण खाता में कृषि ऋण समाधान जैसे कृषि स्वर्ण ऋण को पूरा करता है। इसके बाद है योनो बचत, किसान की निवेश और बीमा जरूरतों के लिए वित्तीय सुपर स्टोर के रूप में योनो बचत कार्य करता है। योनो मित्रा या कृषि सलाहकार सेवाएं प्रदान करता है। और योनो मंडी, कृषि आदानों और कृषि उपकरणों की खरीद के लिए एक ऑनलाइन बाज़ार है। आप यहां इस बाज़ार के माध्यम से जो किसान है वह कृषि आदान या कृषि उपकरण खरीद सकते हैं। पेमेंट भी उन्हें SBI योनो कृषि के माध्यम से ही करना होगा। इसके बाद देखते हैं डिजिटल अपनाएं अभियान, तो प्रारंभकर्ता कौन है? पंजाब नेशनल बैंक। इसका उद्देश्य क्या है कि ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग चैनलों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना और COVID-19 के लिए PM केयर्स फंड को दान करने में भाग लेने हैं तो अपने ग्राहकों को प्रेरित करना। यानी आप डिजिटल बैंकिंग से भी जुड़िए और उसके साथ में COVID-19 के लिए बनाए गए PM केयर्स फंड में अपना योगदान करने के लिए भी प्रेरित करना। यह दोनों उद्देश्यों को देखकर पंजाब नेशनल बैंक ने डिजिटल अपनाएं अभियान प्रारंभ किया है। इस अभियान की जो अवधि है वह 15 अगस्त 2020 से 31 मार्च 2021 तक होगी। इस अभियान के अंतर्गत बैंक प्रत्येक ग्राहक की ओर से ₹5 का योगदान देगा। यानी SPNB में जितने भी ग्राहक होंगे उन ग्राहकों की ओर से बैंक जो है ₹5 का योगदान PM केयर्स फंड में करेगा। डिजिटल अपनाए अभियान मिशन कार्यालय वित्तीय सेवा विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए अभियान के ही अनुरूप है। यहाँ पर हम एक अन्य तथ्य देखेंगे, तो PNB की जो टैगलाइन है वह क्या है? द नेम यू कैन बैंक अपॉन। यह ध्यान रखिएगा, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है PNB की टैगलाइन द नेम यू कैन बैंक अपॉन। इसके पश्चात देखते हैं दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, प्रमुख बिंदु क्या है? तो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में अपनी तरह का पहला आधुनिक हाई स्पीड दिल्ली मेरठ उत्तर प्रदेश रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बनाने के लिए $1 बिलियन के ऋण को मंजूरी प्रदान की गई है। यह आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को बनाने के लिए किस बैंक ने भारत सरकार को ऋण प्रदान किया है या कितना ऋण प्रदान किया है? अगर किसने प्रदान किया है तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने प्रदान किया है। और कितना प्रदान किया है? तो $1 बिलियन के रूप में प्रदान किया गया है यह ऋण को। इसकी लंबाई कितनी होगी? तो 82 किलोमीटर। और दिल्ली मेरठ RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना का वित्त जो है अगस्त 2020 से मई 2025 के मध्य 4 किस्तों में प्रदान की जाएगी। इसका निर्माणकर्ता कौन है? NCR परिवहन निगम इस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को बना रहा है। यहाँ देख लेते हैं ADB के बारे में, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मांड लुयांग फिलीपींस में ADB का मुख्यालय। इसके अध्यक्ष राष्ट्रपति नहीं होगा, अध्यक्ष जो है मात्सुगु असकावा हैं। सदस्य कितने सदस्य हैं इसके? तो 68 देश वर्तमान में ADB के सदस्य हैं। इसके बाद देखते हैं जन रक्षा खाता प्रारंभ किसने किया है? तो फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने जन रक्षा खाते को प्रारंभ किया है। यह आखिर जन रक्षा खाता क्या है? तो आधार प्रमाणीकरण आधारित डिजिटल बचत खाता है। आधार के द्वारा आप अपना डिजिटल बचत खाता खोल सकते हैं, जिसे फिनो पेमेंट्स बैंक ने प्रारंभ किया है। इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो कम आय वाले घरेलू परिवार और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लाभार्थी, यानी जिन घरेलू परिवारों की जो आय है वह कम है और जो DBT के लाभार्थी हैं, यानी भारत सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के द्वारा उन्हें यदि
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र या उनके अकाउंट में सीधा वित्तीय या पैसा डाला जाता है, तो वैसे लाभार्थियों को इस जन रक्षा खाते के तहत फोकस किया जाएगा। आगे है कि ग्राहक केवल आधार आधारित ई केवाईसी मोड के माध्यम से ही एक जन रक्षा बचत खाता खोल सकते हैं। फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने 10 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिगों के लिए बचत खाता योजना भविष्य प्रारंभ किया था। यह भी ध्यान रखिएगा, जन रक्षा खाता आधार प्रमाणीकरण आधारित डिजिटल बचत खाता है, वहीं नाबालिगों के लिए फिनो पेमेंट्स बैंक ने भविष्य खाता शुरू किया था। वहीं एक तथ्य अन्य है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंस्टा क्लिक बचत खाता लॉन्च किया है, जो 100% पेपरलेस डिजिटल सेल्फ असिस्टेड ऑनलाइन बचत खाता है। इसके बाद देखते हैं यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी और बीएसई ईवीएक्स। तो सहयोग समझौता इन दोनों कंपनियों के मध्य हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है? तो बीएसई ईवीएक्स वितरण नेटवर्क का उपयोग करके डिजिटल वातावरण में सामान्य बीमा उत्पादों को बेचना, यानी यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी बीएसई ईवीएक्स का वितरण नेटवर्क का उपयोग अपने सामान्य बीमा उत्पादों को बेचने के लिए करेगा। इसका लाभ क्या होगा? तो अधिक लोगों को बीमा योजनाओं का लाभ उठाने एवं स्वयं तथा उनके परिवारों को कोविड-19 से बचाने में यह सक्षम बनाएगा। इसकी बिक्री जो है बीएसई ईवीएक्स के प्रमाणित पॉइंट ऑफ सेल पर्संस के माध्यम से कोरोना कवच कवर को बेचेगी। यह ध्यान रखिएगा कि कोरोना काल के दौरान कोरोना कवच पॉलिसी लॉन्च की गई है। कोरोना कवच पॉलिसी को देखते हैं, इसका सामान्य अर्थ क्या है? तो कोविड-19 संबंधित अस्पताल में भर्ती खर्चों को कवर करने के लिए, यानी यदि आप कोविड-19 संक्रमण से ग्रसित होते हैं और आप अस्पताल में भर्ती होते हैं, तो वहां भर्ती होने के पश्चात जो खर्च किया है आपने, तो उन खर्चों को कवर करने के लिए यह एक अल्पकालिक बीमा पॉलिसी है, जिसकी अवधि जो है 3.5 महीने, 6.5 महीने और 9.5 महीने रखी गई है। न्यूनतम बीमा राशि जो है 50,000 रुपये और अधिकतम बीमा राशि 5,00,000 रुपये इस इंश्योरेंस के अंतर्गत होगी या कोरोना कवच के अंतर्गत होगी। आगे देखते हैं एडलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, प्रमुख बिंदु क्या है? तो हाल ही में एडलवाइस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने आर्टिफिशियल संचालित समाधानों और उत्पादों के वैश्विक डेवलपर एलिमेंट एआई के साथ में समझौता किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो नए युग के बीमाकर्ता के लिए रणनीतिक एआई रोडमैप को डिजाइन, विकसित और कार्यान्वित करने तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उनके निवेश को प्राथमिकता देने के लिए यह साझेदारी की गई है। इसका महत्व क्या है? तो ग्राहकों की उम्मीदों को पूरा करने और प्रक्रियाओं को कुशलतापूर्वक अनुकूलित करने के लिए वैश्विक स्तर पर बीमा कंपनियों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों का समाधान पेश करना। एडलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कहाँ पे है? इसका मुख्यालय तो मुंबई महाराष्ट्र में। प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसके सुमित राय हैं। वहीं एलिमेंट एआई के सीईओ और संस्थापक जीन फ्रांसवा गगने हैं तथा इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। आगे देखते हैं होंडा मोटर और हिताची के बीच ज्वाइंट वेंचर का गठन किया गया है। इसे हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अपनी अनुमति प्रदान कर दी है कि आप दोनों मिलकर के एक संयुक्त उद्यम बना सकते हैं तथा प्रस्तावित संयोजन को भी इन्होंने सीसीआई ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रस्तावित संयोजन जो होगा उसमें कौन कौन सी कंपनियां आपस में मिलेंगी? तो पहली है कैहिन कॉरपोरेशन, निसिन कोग्यो कंपनी लिमिटेड, सोवा कॉरपोरेशन, हिताची ऑटोमेटिव सिस्टम लिमिटेड के मध्य यह प्रस्तावित संयोजन रखा गया है। इस नवनिर्मित कंपनी के ऊपर जो नियंत्रण होगा वह एकीकृत कंपनी को HAMCL और HL के द्वारा, यानी होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड और हिताची लिमिटेड के द्वारा संयुक्त रूप से इस कंपनी को नियंत्रित किया जाएगा।
यहाँ CCI के बारे में देख लेते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा वर्तमान अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता हैं। अब देखते हैं एकीकृत चैंपियन स्कूल, इसकी घोषणा अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के द्वारा हाल ही में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो बौद्धिक रूप से अक्षम बच्चों को सशक्त बनाने के लिए इस एकीकृत चैंपियन स्कूल की घोषणा की गई है। इसका विस्तार भारत, अर्जेंटीना, मिस्र, पाकिस्तान, रोमानिया और रुवांडा तक इस योजना का विस्तार किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि खर्च की जाएगी। 4 साल की इस परियोजना में भारत में 12 राज्यों में 120 UCS बनाएगी, जो भारतीय शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगी। इसके बाद देखते हैं UAE के विषय में, इसकी राजधानी कहाँ है? तो अबू धाबी। मुद्रा क्या है? संयुक्त अरब अमीरात दिरहम इसकी मुद्रा है। इसके राष्ट्रपति और राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान तथा UAE के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम हैं। आगे देखते हैं यूरोपीय संघ द्वारा दक्षिण एशिया के लिए सहायता अनुदान हाल ही में जारी किया गया है। तो यह जो सहायता अनुदान है, बांग्लादेश, भारत और नेपाल के बाढ़ पीड़ितों को सहायता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक मानवीय निधि के रूप में की गई है। इसके अंतर्गत 1.65 मिलियन यूरो यूरोपीय संघ प्रदान करेगा। यह जो सहायता अनुदान है, यूरोपीय यूनियन के अलर्ट एक्यूट लार्ज इमरजेंसी रिस्पांस टूल का यह हिस्सा है। भारत के लिए यह वित्तीय सहायता 5 लाख यूरो रखी गई है। यहाँ यूरोपीय यूनियन के बारे में देख लेते हैं, तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। वर्तमान में यूरोपीय संसद के अध्यक्ष डेविड मारिया सासोली हैं। वर्तमान में 27 यूरोपीय देश इस संघ के सदस्य हैं। वर्तमान में हाल ही में ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से अपना नाता तोड़ लिया है तथा इसकी मुद्रा जो है वह यूरो है। इसके पश्चात देखते हैं ILO-ADB की रिपोर्ट, जो COVID-19 के मद्देनज़र जारी की गई थी। इस रिपोर्ट का शीर्षक था एशिया और प्रशांत क्षेत्र में COVID-19 युवा रोजगार संकट से निपटना। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु क्या थे? तो COVID-19 महामारी के कारण भारत में लगभग 41 लाख युवा अपनी नौकरी खो चुके हैं। वहीं एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में लगभग 220 मिलियन युवा कार्यकर्ता जो है, जिनकी आयु 15 से 24 वर्ष है, वह नौकरी पर अपने छोटे कार्यकाल के कारण अपने लिए एक असुरक्षा की भावना से वह ग्रसित हैं। यानी उन्हें वह सोचते हैं कि उन्हें कभी भी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यहाँ देखते हैं ADB के बारे में, तो ADB के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में मात्सु असकावा हैं। वहीं इसकी राजधानी, इसका जो मुख्यालय है ADB का, वह मेट्रो मनीला फिलीपींस में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में देखते हैं, तो महानिदेशक जो हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के गाय राइडर हैं तथा इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके पश्चात आज का हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको नियमित अंतराल पर प्राप्त होती रहे। मिलते हैं फिर किसी एक नए टॉपिक और एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं राहुल, टीम मंथन की ओर से।